दोस्तों, वेलकम है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज रिकी है हमारे साथ, एक बार हेलो बोल दो। हेलो। ओके, तो दोस्तों मैं गया था दिल्ली पे। दिल्ली से आने के बाद एक वीडियो मैंने डाला था, उसके बाद तबीयत बहुत ही खराब होना चालू हो गया। ठीक है, बहुत तबीयत बहुत ही बिगड़ गया। तो तबीयत खराब होने पर लोग इस तरफ में क्या सोचते हैं, तो मैं भी वो सोचा, टेस्ट किया, टेस्ट एकदम नेगेटिव है। आपके प्यार और भगवान के दुआ से मैं एकदम परफेक्ट हूँ। ठीक है, आप सब भी एकदम मतलब सेफ रहो, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं मैजिक पे। दोस्तों आज जो मैजिक मैं आपको सिखाऊंगा, इस मैजिक को सीख के आप झट से किसी का भी बर्थडे क्यों जान सकते हो, यू। ठीक है, मैजिक से। तो अब क्या है ये मैजिक, चलिए देखते हैं, रिकी के साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरू होने से पहले एक चीज बता दूं, रिकी आप जानते हो कि मैं रिकी के साथ बहुत दिनों से मैजिक कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचना कि मैं रिकी के साथ कुछ मतलब पहले सेटअप या फिर ऐसा कुछ। इनफैक्ट मैं रिकी का बर्थडे भी नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो रिकी ये पेन लो और ये पेपर लो, मुझे मत दिखाना। ठीक है, मैं एकदम घूम जाऊंगा पूरा मतलब। हाँ ठीक है, तो रिकी जैसा कि मैंने बताया कि लोग समझ सकते कि मैं तुम्हारा बर्थडे जानता हूं, तो इसलिए मैं बोलूंगा तुम रैंडमली सोचो किसी तुम्हारे दिल के करीब किसी इंसान के बारे में और उसका बर्थडे ऊपर लिख दो। ठीक है, मतलब साल नहीं लिखना है, सिर्फ डेट और मंथ लिखना है। ठीक है, हो जाने के बाद मुझे बता देना। दोस्तों रिकी लिख रहा है किसी एक प्यारे इंसान का नाम। ठीक है, तो वो लिख देने के बाद हो गया। थैंक यू। तो अब मैं तुमको कुछ चीज समझाता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख पाया तो तुम समझने की कोशिश करना। देखो 12 मंथ, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी है 1, फरवरी है 2, मार्च है 3, अप्रैल है 4, ऐसे करके दिसंबर है 12। तो तुम जिस बजट का मतलब जिस पर्सन का बजट तुमने लिखा है वो किस मंथ पे है, वो उसने किस मंथ पे जन्म लिया है, तो वो नंबर तुम उधर लिख दो। अगर जनवरी होगा तो 1, फरवरी होगा 2, ऐसे करके सितंबर होगा तो 9, दिसंबर होगा तो 12। ठीक है, और इस तरफ भी दिखाना। ठीक है, तो अब तुम उस नंबर को डबल कर दो। ठीक है, अगर 10 होगा तो वो हो जाएगा 20, 5 लिखोगे तो हो जाएगा 10। तुमने जो नंबर लिखा है उस नंबर को डबल कर दो। ठीक है, हो जाने के बाद मुझे बोल दो। हो गया तो ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुम उस नंबर को 5 से प्लस कर दो। ठीक है, प्लस 5 कर दो उसके साथ, +5। ओके, +5 हो जाने के बाद मुझे बोल देना। हो गया। ओके, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब तुम जो करोगे वो है, तुम उस नंबर जो एकदम फाइनल आंसर आया उसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, मतलब गुणा कर दो उसके साथ, जो नंबर आया है 5 ऐड करने के बाद जो नंबर आया है उसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई ठीक से हो जाने के बाद मुझे बोल देना। हो गया, झटपट कर ले तो वाह, बहुत ही बढ़िया चीज है। अब जो आंसर आया है उसके बाद एक 0 ऐड कर दो, मतलब अगर तुम्हारे आंसर है 10 तो उसके साथ एक और 0 ऐड हो गया, हो जाएगा 100, समझ सकते हो, तो वो 0 ऐड कर दो। ओके, हो गया। ओके, थैंक यू। तो अब तुम जो नंबर अभी तुम्हारे पास है उसके साथ बर्थ डेट को प्लस कर दो, बर्थ डेट जो है डेट ऑफ बर्थ उसको, महीने को नहीं, साल को नहीं, सिर्फ डेट को उसके नीचे ऐड कर दो। ठीक है, लास्ट दो डिजिट के साथ, 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, तुम उसके साथ ऐड कर दो। ऐड हो जाने के बाद मुझे बोल देना। ठीक है, हो जाने के बाद मुझे बोल देना। हो गया। तो अब तुम्हारे पास एक फाइनल नंबर आया है, तो तुम क्या वो नंबर झट से मुझे एक बार बोल सकते हो और ऑडियंस को दिखाओ। ठीक है, तो वो नंबर क्या मुझे एक बार झट से बोलोगे, वो नंबर जो लास्ट में जो नंबर आया 77। हाँ 377। ओके, तो मुझे पता चल गया 377। तो दोस्तों उसने जो बर्थडे उधर लिखा है वो है जनवरी 27। यही तुमने लिखा है बर्थडे 27 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप भी कर सकते हो। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ ये किसका बर्थडे है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का है। अच्छा, उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो जो भी हो दोस्तों वो किसी का भी बर्थडे सोच सकता था, तो मैंने वो बोल दिया। आप भी अभी इस वीडियो के ट्यूटोरियल को देख के ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मैजिक के सीक्रेट को। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस ऑसम से मैजिक के पीछे का सीक्रेट। दोस्तों इस ऑसम से मैजिक के पीछे का सीक्रेट है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, और ये सबके साथ होगा, 100% सबके साथ होगा। अगर आप इसको करना चाहते हो 100% एकदम करेक्ट, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, स्किप मत करो। ओके, तो मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मैं झट से आपको ये दिखा भी दूंगा।
तो आते हैं अब इसके सीक्रेट की तरफ। क्या है इसका सीक्रेट दोस्तों? मैं अपने बजट के साथ ये करूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा, आप सभी जानते हो मेरा बजट है 26 दिसंबर को, ठीक है। तो अब मैं क्या किया था, ऐसे लिखने के लिए बोला था ऋषि को। अब आते हैं इधर से, ठीक है। बट का महीना वो कौन सा है? मेरा है 12, ओके। तो मैं इधर लिख दूंगा 12, ठीक है। इसको डबल कर देंगे, स्टेप को याद रखना, ठीक है, स्टेप को याद रखना। इसके बाद हो जाएगा डबल, हो जाएगा ये आ गया डबल होके 24। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ 5 को ऐड कर देंगे। तो इसके साथ 5 मतलब ये तीसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, ये होगा दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा स्टेप, इसके साथ 29 हो गया, ठीक है। अब चौथे स्टेप में हम क्या करना है, हमको करना है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई, ओके। हो गया। तो अब उसके बाद का स्टेप, उसके बाद का स्टेप क्या था, इसके साथ एक जीरो बिठा देना है, ओके, बिठा दिया। अब क्या करना है, हमको लिखना है ये बर्थडे को इसके साथ ऐड करना है 20। तो फाइनल आंसर आएगा 1476। यहां तक सिर्फ स्टेप है, ठीक है। अभी मैं आपको राज बताऊंगा। राज क्या है दोस्तों? राज है ये जो नंबर है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, दो, ठीक है। आपको इधर जो करना है वो है आपको इधर से माइनस करना है 50, इधर से इस दो से माइनस करना है 50, लास्ट दो डिजिट से हो जाएगा 26, और इससे माइनस करना है दो आ जाएगा 12। ये होगा महीना, ये होगा मंथ, ठीक है। ये है इसका सीक्रेट। अभी मैं आपको अगर ऋषि का चीज दिखाऊं, एक बार मैं अगर आपको ऋषि का पेपर दिखाऊं तो झट से आप लोग देख सकते हो। जनवरी 1 डबल होके हो गया था 2, हो गया था 5 ऐड करके 7, 7 को मल्टीप्लाई किया था उसने 5 से, हो गया था 350, 350 के साथ 27 ऐड किया था, हो गया था 377। तो इसको हम लोग अगर ऐसे दो डिजिट को साइड कर देंगे, इससे माइनस करेंगे 50, आ जाएगा 27, ठीक है। और इसके साथ इसके दो माइनस करेगा आ जाएगा 1, 1 आएगा मंथ, 27 आएगा डेट। दोस्तों ये है बहुत ही इजी एक मैजिक। आई होप आप सबको ये पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अच्छा चीज सबको सीखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आप नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं हूं बूस्टर और बहुत ही अच्छा अच्छा मैजिक आप सबके लिए आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।